हेलो गेमर्स, कैसे हो सब। तो पबजी मोबाइल का एक और गेम प्ले वीडियो लेके आ चुके हैं। एंड यार, इस गेम प्ले को देख के आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे किल एंड स्क्वाड वाइप्स भी देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी हम आ चुके हैं पोचिंग की के अंदर एंड यहाँ पे 5 से 6 स्क्वाड आए हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है। मैंने जल्दी से यहाँ पे गन फाइंड की एंड यार, अभी मैं जैसे ही जा रहा होता हूँ तो सामने मुझे फायर्स आ रहे होते हैं, तभी मुझे राइट से भी फायर आते हैं एंड इतने में मुझे सामने फुटस्टेप्स आते हैं। तो वो एक बोट रहता था, अभी देखो उसको कैसे मारते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इजिली नॉक कर दिया था। अभी यार राइट साइड में भी बनता था, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले लेफ्ट चलते हैं। अभी देखना यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। भाई लोग, ये मेरी पेटी यहाँ पे ही बना देता। इतने में यार इसका एक टीममेट भी आता है, मेरे पे पुश करता है एंड यार मेरी हेल्थ बिल्कुल नहीं होती। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बैठ के बैंडेज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास किट वगैरह तो होती नहीं है। तो मैं बैंडेज कर रहा होता हूँ, इतने में वो मेरे पे पुश कर देता है एंड अभी देखना क्या यहाँ पे सीन होने वाला है। तो मैंने इसको नॉक करके इजिली किल कर दिया, तभी इसका एक और टीममेट आता है एंड देखो। अभी यार यहाँ पे मेरा नेट चला जाता है एंड अभी आप देख सकते हो पिंग हाई हो जाता है, एकदम से 900 का पिंग हो जाता है एंड यार पता नहीं ये कैसे मर गया। मुझे तो लगा कि मेरी पेटी बन चुकी है। तभी मुझे यहाँ पे कुछ फायर्स आ रहे थे, तो मैं इस साइड में आता हूँ एंड मुझे एक बंदा दिखता है यहाँ पे बैठा हुआ। तो देखो उसको कैसे मारते हैं। अभी यार इसको मैंने अच्छा खासा नॉक करके डैमेज भी दे दिया था। फिर देखो इसको मैंने नॉक तो कर दिया था, लेकिन ये यार एक और टीम थी जिससे फाइट कर रहे थे। तो अभी देखना उनके साथ कैसी फाइट यहाँ पे होने वाली है। तो ये फुल स्क्वाड खत्म हो जाती है, तभी सामने एक बंदा दिखता है। मैं उसको कुछ हिट्स देता हूँ, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो तभी मुझे एक यहाँ पे पेटी दिखती है जो मैंने किल किया था। तो यहाँ पे लालच में आके इसको मैं लूटने लगता हूँ एंड देखो। तो भाई साहब, एंड टाइम पे मैं अगर कवर में ना जाता तो मेरी पेटी ये बना ही देती। तभी मुझे राइट में भी एक बंदा दिखता है एंड एक लेफ्ट में रहता है। तो अभी देखना यहाँ पे क्या होने वाला है सीन। तो अभी एक यहाँ पे नोक पड़ा रहता है इनका बंदा, इसको किल करता हूँ एंड बैक चलाता हूँ। तभी मुझे सामने एक और बंदा दिखता है एंड इसको भी किल कर देता हूँ। तभी आ जाता है एक बोट। सभी को किल करने के बाद अभी मेरे को यहाँ पे लूट करने का टाइम रहता है, तो मैं लूट करने जैसे ही जाता हूँ बंदा नोक दिखता है। इसको किल करने के बाद मैं अच्छे से यहाँ पे लूट करता हूँ। जैसे मैं लूट रहा होता हूँ तभी मुझे फुटस्टेप्स आते हैं एंड देखो। तो अभी यहाँ पे एक बोट आता है, तो उसको किल कर देते हैं इजिली। तभी मैं यहाँ से निकलता हूँ गाड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग गेम प्ले देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी मैं जैसे ही रोजक के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स आते हैं एंड मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ एंड गाड़ी अटक जाती है यहाँ पे। तो मैं जैसे ही यहाँ से जाता हूँ तो इस घर में पहले जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे बिल्कुल भी पोजिशन पता नहीं थी। एक बंदा इधर था, लेकिन और भी बंदे यहाँ पे हो सकते थे। तभी मुझे सामने एक बंदा दिखता है एंड देखो। तो मैं इसको इजिली नॉक कर देता हूँ एंड जैसे इस घर में आता हूँ तो मुझे लेफ्ट से फुटस्टेप्स आते हैं एंड देखो फिर क्या होता है। अभी यार मैं इससे फाइट ले रहा था, तभी मुझे पीछे से शॉट्स आते हैं एंड यार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस साइड में भी बंदा है। अभी मेरी पेटी यहाँ पे बना देता, तभी ये एक बंदा मेरे पे पुश ही डायरेक्ट कर देता एंड देखते रहो फिर क्या होने वाला है यहाँ पे सीन। यार इसको तो मैंने इजिली नॉक कर दिया था, लेकिन मेरी हेल्थ बिल्कुल ही कम थी। एक बंदा इनका और भी था जो मेरे पीछे पीछे था, तभी वो मेरे सामने यहाँ पे जंप करता है एंड फिर देखो यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कुछ शॉट्स देता हूँ, मैंने सोचा ये डायरेक्ट मेरे पे पुश कर रहा है, लेकिन ये अभी नहीं करता मेरे पे पुश, अपने दूसरे टीममेट को बचाने जाता। तो मैं यहाँ पे ही होल्ड करके हील करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ से जैसे ही जाता हूँ तो दोनों बंदे सामने वाले घर के अंदर होते। तो मैं इस घर के अंदर जाता हूँ एंड देखो फिर। तो मैंने इन दोनों को इजिली किल कर दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, इतने में यार एक और टंकी के पास एक स्क्वाड आ जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे कवर में सबसे पहले आता हूँ एंड यहाँ से टीपीपी लेके पोजीशन बनाता हूँ एंड उसके बाद एक बंदे को नोक भी कर देता हूँ।
एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन बाकी के तीनों बंदे आगे सामने फील्डिंग लगा के खड़े थे, तो सामने से जाना तो बिल्कुल ही पागलपंती थी। तो मैंने सोचा यार थोड़ा होल्ड करते हैं, तो एक टंकी के पास बंदा था एंड दो इधर की साइड में बंदे दिख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों इधर से कैंपिंग कर रहे थे, तो मैं आगे तो जा ही नहीं सकता था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे होल्ड करते हैं, ये अपने आप मेरे पे पुश कर देते हैं। तभी मैं यार सोचता हूँ कि यहाँ पे रहना तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं जैसे वो ऊपर की साइड में आते हैं एकदम से फायर करते हैं। तो मैं सोचा यार ये तो तीनों चारों बंदे एक साथ आ रहे हैं, तो मैं नीचे जंप करता हूँ एंड दोबारा से जाता हूँ ऊपर की साइड में। देखो तो दो बंदों को मैं यहाँ पे और लपेट लेता हूँ, तो इसको भी इजिली मैंने किल कर दिया। तो यहाँ पे हो चुकी थी पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप। तो यार वीडियो कैसी लगी है यार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्ले देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत यहाँ से लूट करता हूँ एंड थोड़ा सा होल्ड करता हूँ यहाँ पे, तभी मुझे लेफ्ट से गन शॉट आते हैं। रोजोक के अंदर एक और बंदा था जिससे ये बंदा फाइट ले रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको अब मारने का अच्छा टाइम है, तो जल्दी से मैं जाता हूँ एंड देखो। तो इसको इजिली मैंने किल कर दिया, क्योंकि ये यार एक तो खुले में घूम रहा था एंड एक दूसरी किसी बंदे से फाइट कर रहा था। तभी यार मैं इस घर में आ जाता हूँ आगे की साइड में जहाँ पे ये एक बंदा था, एंड अभी देखना यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। तो जैसे मैं नीचे की साइड में जंप करता हूँ तो वो भी बंदा सामने ही रहता है एंड राइट से आता है, तो देखो। तो मैं इसको इजिली किल कर देता हूँ। फ्री फायर का ये फायदा रहता है कि अगले बंदे को गोली चलाने से पहले ही आप उसको किल कर सकते हो। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे सामने एक बंदा दिखता है, मैं उस पर स्कोप जैसे ही खोलता हूँ तो देखो, तो मुझे एक ओम का शॉट पड़ता है एंड मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि यार एक और उसने शॉट दिया था, अगर लग जाता तो मेरी पेटी यहाँ पे बन ही जाती। तो मैं किट लगाता हूँ एंड उसके बाद यार बैक जाता हूँ, क्योंकि यार सामने से मैं जा नहीं सकता था और उस पार मुझे जाना था। तो मैंने बग्गी उठाई एंड बग्गी उठा के मैं डायरेक्ट जाता हूँ इनके ऊपर। तो ये आगे की साइड में रहते हैं, तो मैं यहाँ से जाता हूँ ईजिली, मैं क्रॉस कर लेता हूँ एंड यार सामने इनके ऊपर डायरेक्ट ही पुश कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से जैसे ही बग्गी निकाली तो आगे की साइड में यहाँ पे ड्रॉप भी रहता है, तो ये इन्होंने यहाँ से ड्रॉप लूटा था एंड जो ओम वगैरह चला रहे थे। तो मैं जैसे यहाँ पे बग्गी ला के रोकता हूँ एंड यार यहाँ पे आप देखना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी मेरे सामने यहाँ पे दोनों बंदे रहते हैं एंड यार देखो, दोनों को नोक करते करते यार मैं एक को भी नोक नहीं कर पाता हूँ। इतने में यार लेफ्ट से मुझे फुटस्टेप्स आते हैं, तो यहाँ पे भी एक इनका बंदा रहता है, तो अभी देखना कैसे मैं उसको मारता हूँ। अब यार इसको इजिली मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया था, तो तभी सामने एक और बंदा मुझे दिखता है एंड वो मेरे पे मोली कर देता है, तो देखो। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एंड फिर देखना ये इस बंदे के साथ यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, देखते जाओ। तो यार ये खुले में आता है एंड खुले में तो इजिली मैं इसको नॉक करके फिनिश ही कर देता हूँ। अब यार लास्ट बंदा बचा था, तो मैंने यार यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी आगे की साइड में जाके, क्योंकि यार मुझे इतना आगे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उस साइड में जोन भी नहीं था एंड मैं जल्दबाजी में आगे उसकी साइड में चला गया। तो यहाँ से भी मैं आगे की साइड में और जाता हूँ एंड यार एक उसके पास गिली सूट रहता है, तो वो और भी मुझे इस घास में दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी यार यहाँ पे देखना क्या सीन होने वाला है। तो यार हमारी यहाँ पे पेटी बना दी गई है, तो यार चिकन तो नहीं निकाल पाए, लेकिन यार 23 किल्स हैं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।